देखो यहाँ पे आपको कुछ रास्ता है कि प्राइम नंबर के बारे में ना हर किसी एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है, तो प्राइम नंबर के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा प्राइम नंबर पहले तो क्या होते हैं प्राइम नंबर? प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, मतलब वो किसी के टेबल में नहीं आएंगे, वो सिर्फ अपने टेबल में आएंगे, और वन तो सबका फैक्टर होता ही है, तो वन के टेबल में वन को किसी से मल्टीप्लाई करके वो तो आ जाएंगे, ठीक है। तो दो फैक्टर होंगे उसके, वन एंड इट्स सेल्फ, ठीक है। तो ये है प्राइम नंबर। तो मैंने लिख दिया आपके वन और थाउजेंड के बीच में कितने प्राइम नंबर है, 160, बोलो 168 प्राइम नंबर। और 200 तक जो आपको याद रखना है, 168 प्राइम नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन 200 तक कम से कम जो आपको याद होना चाहिए। अगर मैं पूछूं 200 तक कितने हैं, 1 और 200 के बीच में 46 प्राइम नंबर है, तो 46 प्राइम नंबर तो याद रख सकते हैं। मतलब 1 और 200 के बीच में 46 ऐसे नंबर हैं जो जो किसी के टेबल में नहीं आएंगे, मतलब वो जो प्राइम नंबर होंगे और वो डिवाइड नहीं होंगे किसी, वो सिर्फ खुद से डिवाइड होंगे। जैसे मान लेते 67 है, तो 67 सिर्फ 67 से डिवाइड होगा, नहीं तो 67 अपॉन में 89 है, तो ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्योंकि ये कटेगा ही नहीं, तो आपको पता तो होना चाहिए कि कौन सा प्राइम नंबर है और कौन सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले से ही है फ्रैक्शन, वो तो तभी पता चलेगा जब आपको पता होंगे, ठीक है। या आपको कुछ सिर्फ रास्ता है कि इनमें से कौन सा प्राइम नंबर नहीं है, तो आप बोलेंगे वो आप बताना जरा, बोले इनमें से कौन सा नहीं है प्राइम नंबर जल्दी। जब आपको ये नंबर पता होंगे, जब आपको 100 से आगे भी पता होंगे नंबर, तभी तो पता चलेगा। अब 130 प्राइम नंबर है, 127 प्राइम नंबर है, 149 प्राइम नंबर है, 133 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते, तो आपको पता होना चाहिए पहली बात कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और कितने कितने प्राइम नंबर होते हैं और कौन कौन से होते हैं, कम से कम 200 तक, ठीक है। 0 और 50 के बीच में कितने हैं? अच्छा 1 और 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर, ठीक है। पूछा भी जाता है कि 1 और 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं? 25। अब बात ऐसे 0 और 50 के बीच में कितने होंगे? 15 है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। और कई बार तो ऐसे पूछा जाता है 40 और 50 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर है, 41, 43, 47, ठीक है। 97 टू डिजिट वाला सबसे बड़ा प्राइम नंबर है, ठीक है। और 199 जो वो 3 डिजिट वाला सबसे बड़ा प्राइम नंबर है, तो ये बातें पता होनी चाहिए आपको। 50 और 100 के बीच में कितने बचे सिर्फ 10 प्राइम नंबर, तो वैसे जो बच गए वो कंपोजिट नंबर बचेंगे, जो बच गए वो कंपोजिट नंबर होंगे। अब 100 और 150 के बीच में कितने हैं देखो यहाँ पे, 150 और 200 के बीच में इनको, तो ये आपको याद होना चाहिए पूरा का पूरा टेबल ऐसे, ठीक है। थोड़े थोड़े ब्रेक करो इनको, जैसे 0 और 10 के बीच में कौन कौन से हैं, 2, 3, 5, 7, फिर 20 और 30 के बीच में याद करो, ठीक है। कौन सा ऐसे, जैसे 97 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो 90 और 100 के बीच में एक ही है, बाकी और कोई नहीं मिलेगा, देखो बाकी दो दो मिलेंगे, जैसे 80 और 90 के बीच में दो प्राइम नंबर है, लेकिन 97 इज सिंगल है, ठीक है। 10 प्राइम नंबर में सिंगल एक ही है, मतलब 90 और 100 के बीच में सिर्फ एक ही है, ठीक है। तो ऐसे करके जो वो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो उनको लिखो और याद करो।